गुड इवनिंग। आज हम लोग एक इनबिल्ट ऐप जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग सिस्टम या लैपटॉप जब भी हम लोग खरीदते उसमें एक इनबिल्ट ऐप आएगी। वो ऐप बहुत यूजफुल है। डिस्क क्लीनअप। देखिए, ये डिस्क क्लीनअप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, पार्टीशंस, सी पार्टीशन, डी पार्टीशन, ई पार्टीशन और डेस्कटॉप, हमारा सिस्टम में जितने भी पार्टीशंस है, जितने भी हम लोग सिस्टम में लगाते, वो पार्टीशंस पूरा, वो जब हम लोग डिस्क क्लीन अप ओपन करके हम लोग जब अवेलेबल में लगा के डिस्क क्लीन अप ओपन करे, तो वहाँ पर जो पार्टीशंस है वो पार्टीशंस में हम लोगों को डिस्क क्लीन अप में अनवांटेड डेटा दिखाएगी। अनवांटेड डेटा से हम लोगों को क्या होती, पूरा सिस्टम पूरा करप्ट हो जाती और ड्राइव्स पूरा करप्ट हो जाती और वर्क नहीं करेगी। तो वो जितना भी अनवांटेड डेटा है वो अनवांटेड डेटा को डिलीट करना हो तो ये डिस्क क्लीन अप ओपन करना। तो अब ये जो विंडोज आइकॉन है, सर्च बार है, बाजू में विंडोज आइकॉन है, वहां पर क्लिक करें तो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल दिखाएगी। हम लोग देखिए, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही, नीचे देखिए डिस्क क्लीन अप ऑप्शन है, वो डिस्क क्लीन अप पे क्लिक करिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते डिस्क क्लीन अप ड्राइव सिलेक्शन, सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। ड्राइव से सी है और ये नीचे एरो मार्क है, वो एरो मार्क में हम लोग क्लिक करें तो पूरा पार्टीशंस, जितने भी ड्राइव्स हम लोग लगाए वो ड्राइव्स पूरा हम लोगों को दिखाई देगी। और ये जो ड्राइव्स हम लोगों को दिख रहा, वो ड्राइव में जितना भी अनवांटेड डेटा है वो अनवांटेड डेटा मैन्युअली हम लोगों को वहां पर दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर ओपन कर रही, यहाँ पर डी देख सकते और एफ देख सकते मेरे पार्टीशन से वो। तो ये एरो मार्क को याद रखिए, आप लोग जितना भी डेटा जो जो पार्टीशन में डिलीट करना चाहते वो एरो मार्क क्लिक करके हम लोग वो पार्टीशन ओपन करके देखिए। मैं सी ओपन करी, डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू वॉन्ट टू क्लीन अप। तो यहाँ पर देखिए, यू कैन यूज डिस्क क्लीन अप टू फ्री अप टू 4.31 GB ऑफ डिस्क स्पेस ऑन सी सी। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही, वो टिक मार्क ऑटोमेटिकली है, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स और विंडोज एरर रिपोर्ट्स है, डायरेक्ट एक्स शेडर कैची है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल है। पर यहाँ पर हम लोगों को ऑटोमेटिकली टिक मार्क जो है वो स्पेस जो है वो स्पेस अनवांटेड स्पेस है, अनवांटेड डेटा है, सॉरी अनवांटेड डेटा है। जो डेटा हम लोगों को दिख रहा टिक मार्क करके वो अनवांटेड डेटा थंबनेल से। तो यहाँ पर जो भी टिक मार्क ऑटोमेटिकली डिस्क क्लीन अप दिखा रही वो डेटा अनवांटेड समझ लेना। तो हम लोग अगर एक्स्ट्रा हम लोगों को रिसाइकिल बिन नहीं चाहिए हो तो हम लोग रिसाइकिल बिन में भी क्लिक करके पूरा जितना भी डेटा है हम लोग वो डेटा पूरा निकाल सकते। पर जो हम लोगों को सिस्टम दिखा रही, जो डिस्क क्लीन अप ऐप हम लोगों को दिखाई, वो सिर्फ अभी डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, टेम्पररी इंटरनेट फाइल, वो हम लोगों को टिक मार्क दिखाई दे रही। तो जितना वो दिखाई दे रही वो अनवांटेड डेटा है, तो वो डेटा हम लोग डिलीट कर सकते। एडिशनली आप लोग डिलीट करना चाहते तो वो मैटर नहीं होगा, बट जो वो दिखा रहे वो ही बेस्ट है। ओके करिए। आप ओके करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो डिलीट फाइल्स, अगर आप लोगों वो अनवांटेड डेटा लगा तो आप लोग डिलीट कर सकते। अगर आप लोगों को वो डेटा रखना चाहते तो नथिंग, आप लोग कैंसिल कर सकते।
अगर आप लोगों को वो डिलीट करना चाहते, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पर हम लोगों को दिखाई दे रही, जब हम लोग ऐप ओपन करें हम लोगों को दिखाई दी। यहाँ पर देखिए व्यू फाइल्स, ये व्यू फाइल्स में भी हम लोग देख सकते सी पार्टीशन, डी पार्टीशन, इफ पार्टीशन है। जब हम लोग डिलीट करना चाहते, डिलीट करने से पहले एक बार आप लोगों को ये व्यू फाइल्स ओपन करके एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग ये डेटा डिलीट नहीं करना चाहते तो जस्ट आप लोग यहाँ पर चेक करके आप फिर से वो डिस्कलेनर पे जाके जितना डेटा आप लोगों को अनवांटेड है वो अनवांटेड डेटा को ही आप लोग डिलीट करिए। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा डेटा को आप लोग सेव कर लेंगे। आप लोग डिस्क पूरा क्लीन करके, डिस्क पे जितना भी स्पेस है वो क्लीन करके आप लोग आपका सिस्टम को फिर से आप लोग रिफ्रेश करें जैसा हो जाता, तो इससे आपका सिस्टम बहुत अच्छा वर्क चलेगा। क्योंकि ये अनवांटेड डेटा की वजह से ही हमारा सिस्टम पूरा करप्ट होके हमारा सिस्टम पूरा स्पॉइल हो जाएगी, स्लो चलेगी, और हम हमारा सिस्टम पूरा वर्क नहीं करेगी, करेक्ट नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोग डिस्क क्लीनअप जो ऐप है वो ओपन करके वो ऑप्शन में ही चाहिए। तो होप ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।